हम हरियाणा के टीचर्स के लिए कर रहे हैं, आईटीआई टीचर्स के लिए। एंड सभी का स्वागत करना चाहूंगी। मैं काफी सारे नाम देख रही हूँ, वीरेंद्र जी, कुलजीत जी, और बहुत सारे साथी जुड़े हैं, संजय जी, रीना जी। सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ये 1 घंटे का वेबिनार है, एंड कोशिश करें कि आप लोग एक कंफर्टेबल जगह में बैठे हों। एंड अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं तो आप अपने साथ एक पेन, कुछ कागज का टुकड़ा या नोटपैड अपने साथ रखें। टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत ही बड़ा एक मौका दिया है कि हम अपने घरों से इस वेबिनार को अटेंड कर पा रहे हैं या जहां भी हैं। एंड कोशिश करें कि आप कंफर्टेबल हो, 1 घंटा रह सकें, साथ में पानी रख लीजिए, थोड़ा सा गर्मी होगी कई जगह पर। तो टेक योर अनदर 2 to 3 मिनट्स एज वी स्टार्ट द वेबिनार। या एंड आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोग अपने आप को चैट बॉक्स पे इंट्रोड्यूस कर सकें कि आप किस आईटीआई से हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, और अपना नाम, तो साथियों से एक परिचय हो जाएगा। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैट बॉक्स में अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, आई एम हियरिंग दैट दे आर नॉट गेटिंग एनी साउंड, सो लेनिन इफ वी कैन जस्ट चेक। आई एम नॉट ऑन म्यूट, तो We can क्या hear सब you. We can hear you, Deepika. ओके We can hear ओके you. सो बाकी लोग अब सुन पा रहे हैं क्या? शुरू में कुछ लोगों ने कहा कि कोई साउंड नहीं मिल रहा है। ओके, सो वी हैव पीपल फ्रॉम हिसार, गुरुग्राम, हासनगढ़, रेवाड़ी वुमेन आईटीआई, ओके, नलवा, शमशेर जी हैं, जीटीआई वुमेन से पवन जी हैं, ओके, अंबाला से हैं, यमुनानगर से हैं राम जी, और तो आप सभी का स्वागत है। मैं अपने परिचय से शुरू करना चाहूंगी। मेरा नाम दीपिका है, और मेरे मुझे ये सेशन करने के लिए जब रिक्वेस्ट आया ट्रेनर ट्राइब से, क्वेस्ट अलायंस से, तो मैं बहुत ही खुश हुई। और उसका रीजन ये था कि मेरे पिताजी जो हैं वो उन्होंने एनसीवीटी किया था 10वीं के साथ साथ, और उन्होंने बुंदेलखंड से पढ़ाई की थी, तो वो भी वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का प्रोडक्ट थे। और मेरी माता जी जो हैं उन्होंने पूसा आईटीआई दिल्ली से पढ़ाई की थी, और आज मैं जो कुछ भी हूँ वो उन्हीं दोनों की वजह से हूँ। और दोनों जन आईटीआई और वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का प्रोडक्ट थे भारत के। तो मुझे काफी गर्व महसूस हो रहा है कि जिन जिन संस्थाओं में मेरे पेरेंट्स पढ़े हैं, आज मैं उन संस्थाओं के शिक्षकों के साथ बातचीत करने वाली हूँ। मैंने पिछले 18 साल काम किया है शिक्षा के क्षेत्र में, और ट्रेनिंग्स की हैं, मॉड्यूल्स बनाए हैं, विभिन्न राज्यों में जाके स्कूल सेटअप किए हैं, और समुदायों के साथ काम किया है। जेंडर जो आज का टॉपिक है कि हम कैसे अपने जो भी सीखने सिखाने की जगह है वहाँ एक समानता और समावेश का माहौल कैसे बनाएं, और जेंडर समानता किस तरह से एक शिक्षक की तरह हम कैसे उसे देखते हैं, और उसको किस तरह से हम अपने स्कूलों, अपने आईटीआई के अंदर लागू कर सकते हैं, वो आज के सेशन का जो थीम है ये मेरे दिल के बहुत ही करीब है। क्योंकि मैंने महिलाओं के साथ, किशोरियों के साथ, जिन किशोरियों ने स्कूल से पढ़ाई छोड़ दी है उनके साथ काफी लग करके काम किया है, तो एक समझ बनी है समुदाय के साथ काम करके। आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये आपका तीसरा वेबिनार है, और मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि पिछले दो वेबिनार में आपका जो अनुभव रहा उसको लेकर के एक छोटा सा पोल है, हम लोग वो पोल लॉन्च कर सकते हैं। अगर हमारी टीम वो पोल लॉन्च कर सकती है, आपको अपने स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, आपको सिर्फ क्लिक करना है।
जवाबों पे। आपसे मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगी कि कोई कंफर्टेबल जगह खोज के आप लोग बैठ करके इस सेशन को अटेंड करें। मैं देख रही हूँ आप में से बहुत सारे लोग चल रहे हैं और चलते चलते सेशन अटेंड कर रहे हैं। कोई जगह खोज के आप लोग कंफर्टेबली बैठ जाएं। ओके लेनिन, आर वी डन विद द पोल? In the next 30 seconds, we can start. Okay. Poll अभी भी जारी है। आप सभी से request है कि जिन्होंने अपने responses नहीं दिए हैं, वो please poll में participate करें। So Deepika, we are ending the poll right now. Okay, fine. Thank you. So I hope आप सभी को मौका मिला होगा इस poll में participate करने का। आपके जवाब हमें आगे के sessions और बेहतर करने में मदद करेंगे। आप लोग काफी माहिर हैं, मुझे लगता है वेबिनार्स सबने काफी अटेंड किए हैं क्योंकि आप सबने अपने आप को म्यूट पे रखा है। ये देख के मुझे काफी खुशी हो रही है दैट वी आर प्रिपेयर्ड फॉर द वेबिनार। इस सेशन में हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं उसके ऊपर थोड़ी सी बातचीत करेंगे। जेंडर और सेक्स में क्या फर्क है ये हम सभी समझते हैं कि एक जो है प्रकृति के द्वारा बनाया गया एक फर्क है स्त्री और पुरुष में, और दूसरा जो फर्क है जो समाज हमारे अंदर बचपन से ही करते आ रहा है, हम क्या पहनते हैं, कैसे बात करते हैं, किससे बात करते हैं, कहाँ जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते, क्या काम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ये जो हमारी एक कंडीशनिंग होती है बचपन से उसे हम जेंडर कहते हैं। तो इस आज के सेशन में हम कोशिश करेंगे कि ये समझें कि हम एक जेंडर समान शैक्षणिक परिस्थिति की बात क्यों करना चाहते हैं, जेंडर समानता की क्या जरूरत है, किस तरह से हम जेंडर असमानता जो है हमारे लर्निंग स्पेसेस के अंदर उसको कैसे पहचाने और उसको कैसे रिस्पॉन्ड करें, किस तरह से हम एक समानता की परिस्थिति अपने सीखने सिखाने के काम में ला सकते हैं। ITIs अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेस है और हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो ये आज के कुछ तीन मुख्य उद्देश्य हैं। हम शुरुआत एक क्विज से करेंगे, तो जो लोग बड़े आराम से लेटे हुए हैं वो सब लोग थोड़ा बैठ जाएं क्योंकि क्विज काफी फास्ट चलेगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा बैठ जाएं, अलर्ट हो जाएं।
पहला है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ वुमेन, भारत में कितने प्रतिशत महिलाएं शोधकर्ता हैं, रिसर्चर्स हैं। आपके जवाब आप चैट बॉक्स में दे सकते हैं। 15%, 15%, 45%, 86 या 30। हम लोग काफी फास्ट मूव करेंगे इसमें। ओके, वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सेज सेइंग इट इज अराउंड 30%। मुझे लगता है आप लोग ये पोल पहले कर चुके हैं। ओके, सो यस, इट्स नॉट 30%, इट्स अबाउट 15% ऑफ वुमेन इन इंडिया आर इनटू रिसर्च वर्क। अगले की तरफ हम बढ़ेंगे। इंडिया का रैंक ग्लोबली कितना है एडोलेसेंट प्रेगनेंसी में? हम पहले नंबर पे हैं, 87th में हैं, 167 पे हैं या 23वें नंबर पे हैं? हमारा क्या रैंक है जब हम एडोलेसेंट प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो? एडोलेसेंट प्रेगनेंसी मीनिंग हुआ कि 10 से लेके 19 साल की जो किशोरियां हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। काफी इंटरेस्टिंग आ रहा है, 23 नंबर, 87 नंबर, परसेंटेज नहीं, हम रैंक की बात कर रहे हैं। टोटल पूरी दुनिया में 168 स्टेट्स रिकॉग्नाइज्ड हैं, कंट्रीज, तो उसमें हम कौन से नंबर पे हैं? पहले नंबर पे हैं, 23वें पे हैं, 86 पे हैं या 168 पे हैं? ओके, I want to kind of, मैं देख रही हूँ कि सिर्फ अभी तक mostly हम लोग 23, 86 और 168 कह रहे हैं, but ये थोड़ा सा भ्रम तोड़ने की जरूरत है। इंडिया नंबर एक पे है और ये हमारा सेंसस डेटा बता रहा है, ये हमारा नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे बता रहा है कि भारत नंबर एक पर है जब बात आती है किशोरियों के प्रेगनेंसी की, यानी कम उम्र पे ही लड़कियां माता बन जा रही हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं कि इंडिया के अंदर भारत में कितने प्रतिशत महिलाएं और पुरुषों के पास इंटरनेट की पहुंच है? महिलाएं जब 33% हैं तो पुरुष 67, आप ऑप्शन 1, 2 और 3 देखिए। दूसरा हम कह रहे हैं कि महिलाएं 45% और पुरुष 55%, और तीसरा हम कह रहे हैं कि महिलाएं 15% और पुरुष जो है उनको 85%। W इज फॉर वुमेन एंड M इज फॉर मेल मैन। तो कितने प्रतिशत महिला और पुरुषों को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त है? काफी सारे लोग बी कह रहे हैं। फोर्टी फाइव परसेंट। ओके, आई वॉन्ट टू अगेन ब्रेक दैट मिथ। It is number one, 33% and 67%. It is less than 50% that जितने प्रतिशत पुरुषों के पास है उससे आधा जो इंटरनेट का रीच है वो स्त्रियों के पास है। और जब आप इसको रूरल एरियाज में देखेंगे तो परिस्थिति और दयनीय है। टोटल आई थिंक 23% सिर्फ महिलाओं के पास जो है वो इंटरनेट कनेक्शन है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं पोल में। ये ट्रांसजेंडर यानी जो तीसरे लिंग की हम बात करते हैं, कितने प्रतिशत उनमें से एम्प्लॉयड हैं, कितनों के पास रोजगार है? 65%, 34, 8 या 23? और मैं देख रही हूँ वीरेंद्र जी, तेजेंद्र जी, अजय जी, संजय, राजेंद्र जी, सभी लोग 8% कह रहे हैं। और बिल्कुल आपकी समझ जो है वो, एक तो सबसे पहले सोचना ये जरूरी है कि अभी रिसेंटली एक बिल आया है जो बात कर रहा है ट्रांसजेंडर्स की समानता के लिए और काम के क्षेत्रों में उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना हो इसके लिए, लेकिन पब्लिक डोमेन में बहुत ही कम उनके बारे में जानकारी अवेलेबल है। और आप सभी के जवाब सही है, ओनली 8%, 92% ऑफ ट्रांसजेंडर उन्हें किसी भी प्रकार का गेनफुल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है। So yes, only 8% have employment. हम आगे बढ़ेंगे। पूरे विश्व की जब हम बात करते हैं तो UN में जो countries हैं उसमें से कितनी countries में आज महिला जो है वो lead कर रहे हैं, women leaders हैं? Is it 21 countries, 21, 56, 120 या 35?
ओके 21 और 35 पे लोग ज्यादा आए हुए हैं, आई थिंक एक समझ हमारी बन रही है कि महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है, जो उनका प्रतिनिधित्व राजनीतिक लीडरशिप में है वो काफी कम है. इट्स ओनली 21 कंट्रीज एक्चुअली. सो क्वाइट अ फ्यू ऑफ यू आर राइट. विल मूव टू द नेक्स्ट. सो ये जब हम क्विज हमने किया, इसमें हमने कुछ मुख्य चीजों को देखा कि उनके जीवन में क्या हो रहा है, उनके पास किस तरह के चीजों की एक्सेस है नहीं है, और वो लीडरशिप रोल्स में कहाँ पे हैं. तो ये जो पूरा पोल है वो हमें कुछ की चीजों के ऊपर एक तो समझ बनाने में मदद करता है. सबसे पहला तो है कि पार्टिसिपेशन कितना है, यानी उनकी भागीदारी कितनी है, और वो हम देख रहे हैं कि अनइक्वल है. चाहे कुछ पोल के क्वेश्चंस आई थिंक मुझसे स्किप हो गए, तो अगर हम देखेंगे कि किस तरह से महिलाओं का साइंस में रिप्रेजेंटेशन है, कितने नोबेल पुरस्कार उन्हें मिले हैं, तो वो भी बहुत ही कम है. तो एक तो हम देख रहे हैं कि उनका पार्टिसिपेशन यानी कि उनकी भागीदारी बहुत सारी प्रक्रियाओं में बहुत ही सीमित है. एक और डेटा था हमारे पास कि किस तरह से लड़कियों का हायर एजुकेशन में इन्वॉल्वमेंट तो हो रहा है, पार्टिसिपेशन हो रहा है, लेकिन उनका जॉब्स जो है, उनका काम की दुनिया के अंदर प्रवेश कम होते जा रहा है. दूसरा है कि बहुत सारे बेसिक राइट्स हैं, चाहे वो शिक्षा हो चाहे वो रोजगार हो, उस तक उनकी पहुंच जो है वो बहुत ही सीमित है. उसके बाद जो अगर हम देखते हैं रिकग्निशन, यानी उन्हें कितने अवार्ड्स मिले या उनका जो काम वो कर रहे हैं, जिस तरह से वो योगदान दे रहे हैं, उनके योगदान को पहचाना जा रहा है या नहीं. और आप देखिए कि महिलाओं के योगदान को पहचाना नहीं जा रहा, उसको रिकग्नाइज नहीं किया जा रहा, उसको तवज्जो नहीं दिया जा रहा है. एंड लास्ट इज रिप्रेजेंटेशन, कि जो वो काम करते हैं, जो उनका श्रम है, जो उनका योगदान है समाज में, उसका रिप्रेजेंटेशन कहीं नहीं है, उसको कहीं भी प्रदर्शित नहीं किया जा रहा है, उसके ऊपर बात नहीं की जा रही है. तो ये कुछ मुख्य चीजें हम समझ सकते हैं जो पोल के सवाल थे उससे, कि हम एक समाज की तरह जब हम बात करते हैं समानता की, तो किस तरह से एक असमान व्यवस्था है जिसकी वजह से भागीदारी, पहुंच, पहचान और उनका रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतिनिधित्व, चारों ही चीजें जो हैं वो पुरुषों के मुकाबले बहुत कम है स्त्रियों का, और ट्रांसजेंडर पे तो हमारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है. ओके नाउ ये सभी को सवाल है, और फिर से दरख्वास्त है कि जो लोग आराम से इसे देख रहे हैं वो बैठ करके अपना रिस्पॉन्स चैट में टाइप कर सकते हैं, कि एक एजुकेटर के नाते है, आप आईटीआईज में शिक्षक हैं, आप अलग अलग ट्रेड्स सिखाते हैं, वेल्डिंग है, कोपा है, या दूसरे और ट्रेड्स सिखाते हैं, तो आपको क्यों इसके बारे में, आपको क्यों दरकार होना चाहिए, आपको क्यों इसकी परवाह होनी चाहिए कि एक जेंडर समान शैक्षणिक व्यवस्था बने, आपका क्लासरूम जो हो वहाँ जेंडर समानता हो, इसके बारे में आपको क्यों सोचने की जरूरत है. वी कैन टेक फ्यू रिस्पॉन्सेज ऑन चैट, एंड मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप चैट में अपने रिस्पॉन्सेज शेयर करें. Why do educators need to care for gender equality in their classrooms? जो भी आपके मन में आ रहा है कि हमें क्यों इसकी परवाह होनी चाहिए कि हमारी क्लासरूम्स में एक समानता और समावेश का माहौल हो. इक्वालिटी से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, गर्ल चाइल्ड मोटिवेट होंगी, फ्यूचर बन रहा है, स्टूडेंट्स आर फ्यूचर ऑफ इंडिया, एब्सोल्युटली. स्टूडेंट्स अनकंफर्टेबल फील ना करें, समानता होगी तो सभी लोग कंफर्टेबल होंगे, सो दैट देयर इज इक्वालिटी टू ऑल, मोटिवेशन मिले, डिस्क्रिमिनेशन अवॉइड करें.
सभी को सीखने का अधिकार है और उनका विकास का अधिकार है. टू मोटिवेट ट्रेनर्स, सभी कंफर्टेबल हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, कंपटीशन अच्छा होगा अगर समानता होगी तो. ओके, हम सभी मनुष्य हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैव राइट टू स्टडी एट सेम प्लेटफॉर्म, एब्सोल्युटली, टू गिव इक्वालिटी टू ऑल एंड मोटिवेट. सभी को सीखने का अधिकार है और सभी को समानता प्रेरणादायक बनाया जाए. बिल्कुल. Self confidence of girls is what we are saying. So one is that of course it motivates girls, it gives more self confidence to girls, but at the same time it makes the boys also a better human being, isn't it? It makes everybody a better human being if we have a more inclusive and equitable classroom. Agar hamare पूरा सीखने सिखाने की प्रक्रिया और हमारे क्लासरूम्स जो हैं वो समावेशी हुए और समानता वाले हैं, तो वो सिर्फ लड़कियों को मोटिवेट ही नहीं करते हैं, वो लड़कों को भी एक बेहतर मनुष्य बनाएंगे. सो इफ वी सी नाउ, अगर हम अपने एजुकेशन की संस्थाओं को देखते हैं, एंड आज हम क्योंकि ITI ट्रेनर्स के साथ हैं, तो अगर हम अपने ITIs को भी देखते हैं या स्कूल्स को देखते हैं, तो ये सब सीखने सिखाने की जगहें हैं. और इन जगहों पे दो चीजें, तीन चीजें होती हैं. या तो जो समाज में असमानता चल रही है, जिस तरह से समाज में सब कुछ हो रहा है, वही चीजें हम अपनी संस्थाओं में करते हैं, तो हम उसी को रिप्रोड्यूस करते हैं. जो भी समाज में चल रहा है, वही सोशियो कल्चरल चीजों को हम अपने सीखने सिखाने की जगहों पे रिप्रोड्यूस करते हैं, उसी को वापस क्रिएट करते हैं, और एक तरह से वही समाज, असमानता वाला समाज पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा. दूसरा है कि हम एक हमारा खुद का विजन क्या है एजुकेटर्स का, लर्नर्स के लिए, वो बहुत हद तक तैयार डिपेंड करेगा उस पर कि हम किस तरह की सीखने सिखाने की जगहें बनाते हैं. अगर हमारा विजन है कि मेरे यहाँ से पढ़ा हुआ हर बच्चा इंडिपेंडेंट बनेगा, मेरे यहाँ से पढ़ा हुआ हर बच्चा जा करके स्वनिर्भर होगा, मेरे यहाँ से जाता हुआ हर बच्चा जो है वो दूसरों की रिस्पेक्ट करेगा या करेगी, तो हम उस तरह से उनको नर्चर करेंगे. सो बेसिकली हम जो एजुकेटर्स यहाँ आज हैं, मोर देन 250 एजुकेटर्स आर हियर टुडे, ये 250 लोगों का क्या विजन है, हम अपने संस्थाओं से कैसे लोगों को तैयार करके बाहर भेजना चाहते हैं. जैसे किसी ने लिखा था कि दे आर फ्यूचर ऑफ इंडिया, इफ वी आर प्रिपेयरिंग फ्यूचर ऑफ इंडिया देन व्हाट इज आवर विजन, कैसे लोग बाहर जाने चाहेंगे इस संस्था से, तो एक इंडिया का निर्माण हो सके. एंड तीसरा जो एक रोल है वो ये है कि इन संस्थाओं में, ITIs में, जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा तबका बच्चों का पढ़ने के लिए आता है, और ये तबका ज्यादा से ज्यादा जो है वो वंचित समुदायों से आता है, इनके लिए क्या नया नॉर्मल होना चाहिए वो डिफाइन करने का, उसके ऊपर काम करने का हमें एक मौका मिला है इन इन स्पेसेस में. तो बाहर की दुनिया में मानिए बहुत असमानता है, क्या हमारी संस्था के अंदर भी वही होगा, या हम एक समावेशी और एक समानता वाले समाज के बारे में सोच करके उस तरह से सीखने सिखाने की प्रक्रिया में जुड़ सकते हैं. सो बहुत पावर है टीचर्स के पास कि वो क्या नया नॉर्मल, पूरे ITI सिस्टम को अगर हम भूल जाएं तो हम अपने क्लासरूम में क्या नया नॉर्मल तैयार करना चाहते हैं, वो हमारे हाथों में है. और इसीलिए हमें परवाह होनी चाहिए कि हमारे क्लासरूम्स में क्या होगा या क्या नहीं होगा, क्या वहाँ समानता होगी, क्या वहाँ हम असमानता जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है उसको आगे बढ़ाएंगे, क्या हमारे यहाँ से पढ़े हुए बच्चे जो हैं वो बेहतर मनुष्य होंगे, जो कॉन्फिडेंट होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, या जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं एक रेज है, एक रोष है बाहर की दुनिया में, वही रेज और रोष के साथ यहाँ के बच्चे भी बाहर जाएंगे. So these are all things for educators to think about as to what kind of learners do we want from our educational institutions to come, go out, to emerge. So again, aap sabko invite karna chahungi ki take a moment, please sit where you are, take a moment, just think ki aap sabhi educators hain,
आप लोगों ने अभी तक जितने भी साल पढ़ाया या बच्चों के साथ एंगेज किया, उसमें आपने किस तरह से कोई जेंडर नॉर्म को रिएनफोर्स किया, यानी जो चल रहा है उसी को आगे बढ़ाया, ऐसा कोई अगर एग्जाम्पल है, या आपने किस तरह से किसी जेंडर नॉर्म को चैलेंज किया जो जिस तरह से असमानता चल रही है, जेंडर असमानता, उसको आपने चैलेंज किया, उसको आपने रोका, या उसको एक तरह से आपने उसके सामने कोई नया तरीका दिया। तो जो भी एग्जाम्पल्स अगर आपके पास हैं तो उसे प्लीज आप चैट बॉक्स में शेयर करें, एंड मैं कोशिश करूंगी कि जितने हो सके मैं सबके लिए पढ़ सकूं और हम उस पर चर्चा कर सकें। I just want to ask if all others are able to hear, because I just got a message ki kuch logo ko awaaz nahi aa rahi hai. Baaki logo ko awaaz aa rahi hai, you can just say yes or no. Okay, thank you. So I think Gurdeep ji, आपको अगर आवाज नहीं आ रही है तो I think आपका कनेक्शन या तो स्लो है, आप रिफ्रेश करके देखिए, शायद आपको बेहतर आवाज मिले अब। Okay, so we will go towards reflection of this question कि किस तरह से आपने जो बाहर जेंडर असमानता हम देखते हैं, मीना जी आई होप अब आपको आवाज आ रही है, मीना जी जिन्हें नहीं आ रही है, ज्यादातर लोगों को आ रही है, आप लोग अपना कनेक्शन रिफ्रेश कीजिए। तो आपने किस तरह से जेंडर असमानता को चैलेंज किया है, या फिर आपने उसको आगे बढ़ाया है, उसके ऊपर हम आपके मंतव्य जानना चाह रहे हैं, आपके अनुभव जानना चाह रहे हैं। ओके, every student able to join the institute after edric, I am forced to admit a disabled candidate, okay, sabko ek sath kaam karne ke liye mauka diya, okay, okay, kuch logo ko cosmetology ka course, boys and girls ko tejasvi ji keh rahe hain ki padhane ka mauka mila, kyunki cosmetology mein usually zyada लड़कियां होती हैं। रानी जी कह रही हैं एक स्पोर्ट्स पर्सन बनकर मेरे विलेज में ही फर्स्ट गर्ल थी जो स्पोर्ट्स पर्सन थी, पीएचडी होल्डर इन माय विलेज। रानी जी, यू आर अ रोल मॉडल फॉर अदर्स। देन इन माय ट्रेनिंग टाइम आई मोटिवेट टू वन गर्ल एंड सपोर्ट हर बाय माय पर्सनल टाइम एंड मेक इक्वल स्ट्रगल विद बॉयज। देवेंद्र जी, अगर आप अलग से समय दे पा रहे हैं लड़कियों को कि वो लड़कों की बराबरी में आकर के काम कर सकें, यस, सो एक्स्ट्रा सपोर्ट देना, दैट इज वन वे दैट यू आर हेल्पिंग देम टू बी मोर इक्वल एंड वर्क मोर इक्वली। गर्ल स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया, शी इज नॉट ओनली सॉफ्ट वर्क, शी इज एबल टू वर्क हार्ड इन मैकेनिकल स्ट्रीम्स। रश्मि जी कह रही हैं कि गर्ल स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया, यस, मैकेनिकल स्ट्रीम्स में जो टीचर्स हैं वो देखते होंगे कि पूरे क्लास में शायद एक लड़की हो या दो लड़की हो एट द मोस्ट, या कोई भी लड़की मैकेनिकल स्ट्रीम में वेल्डर फिटर इन रोल्स में नहीं आती हैं। अगर वो आ रही हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो सो कॉल्ड जेंडर्ड जो काम की जगहें हैं हम उसको चैलेंज कर पा रहे हैं। So yes, basic education improve करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि स्कूलों की कोई परिस्थिति बहुत ग्रेट नहीं है, तो ये बच्चे जब आपके पास आते होंगे तो definitely इनके ऊपर invest करने की जरूरत होती है। आप उन्हें assignments देते हैं, I think everyone work together, each girl and boy, okay, how do you ensure that Sanjay ji that boys and girls work together, we want to know that। सबको एक साथ समान नजर से देखा जाए और सबको एक साथ आगे बढ़ाया जाए, यस राहुल जी, टू इम्प्रूव स्टूडेंट सेल्फ कॉन्फिडेंट मोटिवेट, 14 पेरेंट्स नॉट अलाउड स्टूडेंट्स टू गेट अ जॉब, बट यस आई थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई थिंक गीता जी जो आप कह रहे हैं कि पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे थे स्टूडेंट्स को बाहर जॉब के लिए जाने के लिए, एंड ये लड़कियों के साथ बहुत होता है,
कि बाहर नहीं जाने दिया जाता है, उसकी तैयारी ही नहीं होती है, तो पेरेंट्स को कन्विंस करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जिससे कि वो उस अवसर को वो एंजॉय कर सके जो उन्हें मिला है. ट्रेड इम्पोर्टेंस मोटिवेशन फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स. यस, गर्ल्स को भी मोटिवेट करें कि वो दूसरे ट्रेड्स में जाएं, ना ही सिर्फ कॉस्मेटोलॉजी एंड टेलरिंग का कोर्स लें. रजनी जी ने बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट शेयर किया है, आई विश वी कुड हैव डिस्कस्ड इट, कि गर्ल्स को आईटीआई कैंटीन में नहीं जाने दिया जाता था और आईटीआई में इस बात को उठाया था. गर्ल्स कैंटीन आ रही हैं, जैसे बॉयज भी जा रहे थे, जा सकते हैं और गर्ल्स भी जा सकती हैं. सो आई थिंक दिस इज सो इम्पॉर्टेंट जो आप कह रही हैं कि आईटीआई में एडमिशन दिया है एंड आईटीआई एज एन इंस्टीट्यूशन बॉयज एंड गर्ल्स को सब जगह जाने का पूरा अधिकार है, बट किस तरह से विद इन आईटीआई एक पर्टिकुलर जगह पे लड़कियों को नहीं जाने दिया जा रहा. मतलब जो हम एक्सेस की बात कर रहे हैं, आईटीआई पहुंचने तक के लिए तो अपनी उनकी स्ट्रगल है ही, आईटीआई में आने के बाद वो किस चीजों में जा सकती हैं, नहीं जा सकते, किस जगह पे जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, वो सेकेंड स्ट्रगल है. So I think a lot of these things that you are sharing ki kis tarah se parents ka bahut important role hai and parents ko convince kar pana kitna important hai. Access ka issue jo aap bata rahe hain, parents ko convince karna bhi ek access ka hi issue hai ki aap unko jo avsar mil rahe hain us tak unki pahunch bana rahe hain. So I think we are still struggling a lot with access issues itself. Positive competition by doing test on whiteboard between boys and girls. These are some good practices that we can do to have a healthy competition and equality. As we go ahead, I want to share this particular slide. Now, if we see ITI as a setting, I just want you to remember ki Bharat ke andar jis tarah se लड़कियों को जो चीजें करने दी जाती हैं और नहीं करने दी जाती हैं, अगर आप में से किसी ने देखा होगा कि कुम्हार जो है जो घड़े बनाते हैं, तो कुम्हार का जो पूरा मट्टी रोंदने का काम है वो तो लड़कियां स्त्रियां सब करती हैं, लेकिन चाक जो है वो सिर्फ आदमी चलाते हैं, चाक को छूने नहीं दिया जाता. इसी तरह से हल को छूने नहीं दिया जाता है. खेत में से सारा कुछ निकालने का काम, कटाई का काम, बुआई का काम, सब कुछ औरतें महिलाएं मिलके करती हैं पुरुषों के साथ, लेकिन हल नहीं चलाने दिया जाता है. तो ये परंपराएं रही हैं हमारे यहाँ, और ये देखने की जरूरत है कि हमारे आईटीआई सेक्टर में भी जो टूल्स हैं, वो टूल्स में से और उन मशीनरीज में लड़कियां कौन सी मशीनरीज या टूल्स को छू पा रही हैं, नहीं छू पा रही हैं, उनके दिल में हिचक है. एक बात जो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पहले की, कि कौन किस ट्रेड में एनरोल्ड है. कॉस्मेटोलॉजी में क्या सिर्फ लड़कियां हैं, लड़कों को अगर सीखना है तो क्या वो लोग भी हिचक रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे. इसी तरह से गारमेंट डिजाइन के अंदर लड़के क्या हिचक रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे हम इस ट्रेड में अगर जुड़ते हैं, लड़कियां क्या हिचक रही हैं. मैं अपना बताना चाहूंगी आपको कि मैंने जब ग्रेड 10th पास किया, तो क्योंकि मेरे दोनों माता पिता आईटीआईएस के पास आउट थे, मेरे घर के पास बड़ोड़ा में गोरवा करके एक जगह है जहाँ का आईटीआई बड़ा फेमस था और मेरे घर से 100-200 मीटर की ही दूरी पे था, और मैंने बहुत कहा कि मुझे आप आईटीआई में एडमिशन करवा दीजिए. मेरे फादर ने ना मुझे आईटीआई में जाने दिया ना डिप्लोमा में जाने दिया, क्योंकि मुझे मैकेनिकल फील्ड में जाना था, और उन्होंने कहा कि तुम्हारे पूरे क्लास में और कोई लड़की नहीं होगी दीपिका, और आईटीआईज और डिप्लोमा में मत जाओ, दूसरी स्ट्रीम की पढ़ाई करो. So, क्या लड़कियां आज भी इन ट्रेड्स में एनरोल होने से हिचक रही हैं? क्या उनके पेरेंट्स उनको एडमिशन लेने दे रहे हैं? क्या हम एज अ टीचर, एज अ फैकल्टी, जब हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, तो क्या हम बताते हैं उनको कि आप भी इन ट्रेड्स में आ सकती हैं और इन ट्रेड्स में आगे चल के क्या स्कोप है? दीज आर सम क्वेश्चंस टू थिंक, एंड आपके उस पर रिफ्लेक्शंस आए हैं कि किस तरह से आपने उन्हें काउंसिल किया है कि आप कोपा में एडमिशन लीजिए, आप दूसरे ट्रेड्स में एडमिशन लीजिए जो सॉफ्ट ट्रेड्स नहीं माने जाते हैं.
सो अगर कोएड आईटीआईज हैं और ये बात एक जन की आ गई है जो कैंटीन वाला मुद्दा आया कि कौन सी स्पेसेस हैं जहां लड़कियां जा रही हैं और कौन सी स्पेसेस हैं जहां सिर्फ लड़के जा रहे हैं. कैंटीन एक है, दूसरा होता है पार्किंग की जगह है. पार्किंग की जगह जहां पर बहुत सारी बातचीत होती है, आपस में नोट्स भी एक्सचेंज होते हैं, हंसी मजाक होता है. और आप देखिएगा कि उस पार्किंग की जगहों पे ज्यादातर लड़के होते हैं, लड़कियां नहीं होती हैं. यहाँ पे तो कैंटीन जो कि एक बेसिक नेसेसिटी है कि आप पूरा दिन अगर आईटीआई में है तो आप चाय नाश्ता लेना चाहेंगे, वहां लड़कियां नहीं जा रही हैं. तो क्या हम देख सकते हैं कि कौन सी ऐसी स्पेसेस हैं जहाँ लड़कियां जा रही हैं और कहाँ लड़के जा रहे हैं, कहाँ पे लड़कियां नहीं जा रही हैं, कौन से ऐसे प्रोसेसेस हैं संस्था के जहाँ पर लड़के और लड़कियां इन्वॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. मान लीजिए जब भी आपके यहाँ एनुअल फंक्शन होते हैं अगर, तो कौन उसे लीड कर रहा है, क्या लड़कियां उसे लीड कर रही हैं या ज्यादातर लड़के ही लीड कर रहे हैं. अगर आप कहीं उन्हें फील्ड ट्रिप्स पे लेके जाते हैं तो क्या लड़कियां फील्ड ट्रिप्स पे आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, सिर्फ लड़के आ रहे हैं. कोई भी सेशन जब आप लेते हैं किसी भी ट्रेड का और अगर आपके क्लास में लड़के लड़कियां दोनों हैं, कितनी बार हम अवसर देते हैं एक लड़की को अपनी बात रखने का, क्या हम उसकी पूरी बात सुनते हैं, कितने अवसर हम लड़कों को देते हैं, किन बच्चों को हम अगर कोई चीज बोर्ड पे समझानी है या मशीन पे करके दिखानी है तो किन को हम अवसर देते हैं, वो क्या वो अवसर समान तरह से बटे हुए हैं या कुछ अवसर कुछ लोगों को ज्यादा मिल रहे हैं और कुछ को कम. आप लोग भी अपने थॉट्स जो हैं वो चैट बॉक्स में शेयर करते जाएं. अगर आपको लग रहा है कि इनमें से कुछ पॉइंट्स जो हैं आपको सेंस कर रहे हैं कि हाँ ये बात तो मतलब की है, कुछ लग रहा है कि नहीं ये बेमकसद बात है, तो प्लीज आप लिखिए. राहुल जी जो कह रहे हैं कि शुरुआती शिक्षा के स्तर से ही लड़कियों के भविष्य में कामयाब होने वाले क्षेत्रों के बारे में जागरूक करना बहुत जरूरी है, तभी वह लड़कियां अपने आप को आगे बढ़ा सकती हैं. बिल्कुल राहुल जी, वेरी ट्रू. यही सेशन अगर हम स्कूली टीचर्स के लिए कर रहे होते तो हम इस पे ही बात करते कि किस तरह से स्कूल के टीचरों की भूमिका है. लेकिन आपके पास आईटीआई में भी बहुत देर नहीं हुई है, एक 16-17 साल का बच्चा या 18 साल का बच्चा जब आपके पास आया है 10 साल की शिक्षा या 8 साल की शिक्षा के बाद, तो अभी तो पूरी दुनिया बहुत बहुत उम्र बाकी है उनके सीखने सिखाने के लिए, और ये तो समय है उनका एक हौसला अफजाई करने के लिए, और ये समय है कि हम उनको क्या विकल्प है आगे चल के उसके बारे में बताने के लिए. आईटीआई के बाद दुनिया खत्म नहीं होती, दुनिया शुरू होती है, तो क्या हम वो दुनिया उन्हें दिखा सकते हैं. प्लीज जैसे राहुल जी ने यहाँ पे अपना पॉइंट लिखा है, पवन जी भी कह रहे हैं कि मोस्टली लड़के जो हैं वो एजुकेटर टूर्स में आते हैं, तो लड़कियों को टूर्स में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, पेरेंट्स से बात करनी होगी, उन्हें मोटिवेट करना होगा, उनको क्या दिक्कत आ रही है, उन्हें फीस ज्यादा पड़ रही है, समझना होगा इस बात को हमें. गर्ल्स को ट्रेड्स के बारे में मोटिवेट करना जरूरी है. बिल्कुल मीना जी, गर्ल्स को मोटिवेट करना जरूरी है. और ये जो पूरा एक टैबू लगा हुआ है, मेरे तो दोनों पेरेंट्स आईटीआई से थे और मेरी माताजी खुद पूसा इंस्टीट्यूट एक प्रीमियर आईटीआई से पढ़कर आई थी, लेकिन उन लोगों ने मुझे आईटीआई में नहीं जाने दिया और उन्होंने मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने नहीं दिया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि चाहे डिप्लोमा या डिग्री में भी जाऊंगी तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की क्लास में कोई और नहीं होगा. तो एक ये जो पूरा समाज की जो समझ बन गई है उसको कहीं बदलने की भी सख्त जरूरत है. एक हम छोटा सा एग्जाम्पल शेयर करना चाहेंगे कि जब मैं बात कर रही थी कि कौन किस टूल्स को टच करते हैं, हमारे प्रोग्राम में जब हम बच्चों के साथ काम करते हैं और कंप्यूटर्स का काफी यूज होता है, तो लड़कियां दो बार सोचती हैं जाके कंप्यूटर पे बैठने के लिए, और जो लड़के हैं वो तुरंत जाके कंप्यूटर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं. और हमारे फैसिलिटेटर ने यही देखा कि लड़कियां थोड़ा हिचक रही हैं, रुक जाती हैं, जाके तुरंत से छूटी नहीं है, क्योंकि उन्हें 100 बार कहा जाता है कि इसको मत छूए, ये बिगड़ जाएगा, वो खराब हो जाएगा, तो हिचक थी उनके मन में. फैसिलिटेटर्स को बात करना पड़ा बच्चियों से कि कोई बात नहीं है, आप भी जाके कंप्यूटर इस्तेमाल कीजिए. नहीं तो लड़कियां मोस्टली पीछे बैठी होती थी और लड़के जो होते थे वो कंप्यूटर यूज कर रहे होते थे. उनको एनकरेज करना पड़ा
और उसके बाद लड़कियां जो हैं वो कंप्यूटर्स यूज करने लगी हैं। अजय जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है मैम, अगर आपके यहाँ ऐसा नहीं है और तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप गौर कीजिएगा शायद जहाँ पे लड़के और लड़कियां दोनों हैं आपको दिखेगा कि लड़कों में सहजता ज्यादा है, वो ज्यादा सहज तरीके से बाहर आना जाना भी करते हैं और चीजों को इस्तेमाल करना भी ज्यादा सहज है उनके लिए। ओके, वी विल मूव फर्दर। पेरेंट्स को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है, बिल्कुल ईश्वर जी, इसके ऊपर काम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आपसे अब बात करना चाहेंगे और कुछ रिस्पॉन्सेज लेना चाहेंगे कि एज एजुकेटर्स, एज फैसिलिटेटर्स, हम किस तरह से जेंडर इक्विटेबल लर्निंग स्पेस बना सकते हैं। जो भी आपके थॉट्स हैं वो आप चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। आपने कोई प्रैक्टिस की हो जिससे आपको लगता है कि आपके क्लास के अंदर सभी जेंडर के व्यक्तियों को एक समान मौका, एक समान अवसर मिल रहा है, तो आप शेयर कीजिए। बिल्कुल संजय जी, लड़कियों को और पेरेंट्स को दोनों को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। कैसे हम मोटिवेट करेंगे और कैसे एनकरेज करेंगे कि वो ज्यादा आगे बढ़े, उसके लिए हमें बात करने की जरूरत है। बाय टीचिंग देम ऑल टुगेदर, बाय सपोर्टिंग द गर्ल्स। ओके, थोड़ा सा और डीप में आप जा सकते हैं। जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तेजस्वी जी जो कह रहे हैं, यूजुअली आपने देखा होगा कि अगर कहीं पे काम हो रहा होता है तो हम लिखते हैं मेन एट वर्क, जब स्त्री काम करती है तो हम लिखते नहीं है कि वुमेन एट वर्क, वो मजदूरों में महिलाएं भी होती हैं, लेकिन हम लिखते नहीं है ह्यूमंस एट वर्क, पीपल एट वर्क, राइट। हमारी लैंग्वेज जो है वो बहुत ही जेंडर्ड है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, हम लोग बहुत सारे ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे सिर्फ एक पुरुषवाचक जो लिंग है सिर्फ उसी का इस्तेमाल किया जाता है। Somebody is manning the gate, ऐसा नहीं somebody is taking care of the gate। तो ये हमारी भाषा में है, और हिंदी भाषा में जाएंगे तो और भी ज्यादा इश्यूज हैं कि जो पुल है वो हमेशा पुलिंग है और जो पुलिया है वो स्त्रीलिंग है, कटोरा है वो पुलिंग है, कटोरी है वो स्त्रीलिंग है, हर छोटी चीज जो है वो स्त्रीलिंग है और हर बड़ी चीज जो है वो पुलिंग है, जो ज्यादा ताकतवर है वो पुलिंग है और जो उससे कम ताकतवर है वो स्त्रीलिंग है। तो अगर भाषा में जाएंगे तो एक दिन का हम सेशन कर सकते हैं, बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट तेजस्वी जी, और अगर इसको हम अपने जहन में ले आए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं एज ट्रेनर्स। सो गर्ल्स को मोटिवेट करना, प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं उसके ऊपर काम करना, दीज आर सम थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू बेस्ड ऑन द वर्क दैट वी हैव बीन डूइंग। वन इज कि अगर हम उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहते हैं क्लासरूम के प्रोसेसेस में भी, अगर हम उनका एक्सेस बढ़ाना चाहते हैं, तो जिस तरह से मैम ने बताया कि कैसे उन्होंने जब देखा कि वो कैंटीन नहीं आ रही है या फिर वो टूर्स में नहीं आ रहे हैं, तो उनका पार्टिसिपेशन अगर आपको टूर्स में बढ़ाना है तो आप क्या करेंगे, उनका एक्सेस अगर कुछ चीजों तक, यानी कि वो लोग अलग अलग तरह के ट्रेड्स में जुड़ सकें, वो आईटीआई के अंदर हर जगह पे जा सकें, वो अगर करना है तो हमें क्या करने की जरूरत है, अगर उनके काम को रिकग्नाइज करना है तो हमें क्या करने की जरूरत है, और अगर उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाना है, जो हमने बिल्कुल शुरू में ये चार चीजों की बात की थी जो एक न्यायपूर्ण समाज के लिए बहुत ही जरूरी है, इन चार को बढ़ाने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है। एक जो आपने कहा माइंडसेट्स, सबसे पहले आई थिंक हमें अपने माइंडसेट्स में, जहाँ पे हम सभी जेंडर्स को अप्रिशिएट करते हैं और हम जो हमारे सीखने वाले विद्यार्थी हैं उनका भी एक क्रिटिकल माइंडसेट बनाते हैं कि जो समाज में चल रहा है सिर्फ उसको एक्सेप्ट ना कर लें और उसको वो लोग देखें, समझें और अपनी समझ के बेसिस पे उसको एक्सेप्ट करें, अपने ऊपर उनका खुद का एक कॉन्फिडेंस हो कि हम कुछ कर सकते हैं। अगर किसी ने कह दिया कि तुम लड़की हो तुम पढ़ के क्या करोगी, तो वो उससे डिमोटिवेट ना हो जाए, या अगर किसी ने ये कह दिया कि लड़के हो और क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो, तो उससे वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करना ना छोड़ दे, बल्कि ये सोचे कि मनुष्य के लिए भावना व्यक्त करना बहुत जरूरी है।
तो किस तरह से वो एक सोचने वाला दिमाग बनाए जो क्रिटिकली हर तरह से सोच सके और जो अपने आप पे विश्वास रखे, किस तरह के बिहेवियर्स और स्किल्स हम अपने आप में भी तैयार करें और अपने विद्यार्थियों में भी तैयार करें। मेरा ये मानना है कि समानता और समावेश के लिए कुछ बहुत बेसिक स्किल्स हैं जो हम एज टीचर्स अगर हम प्रैक्टिस करना शुरू कर दें एक या दो चीजें रोज, तो हम काफी बदलाव ला सकते हैं। और तीसरा है कल्चर, कि किस तरह का हम एक कल्चर बनाते हैं अपने सीखने सिखाने की जगहों में, जहां पर अगर फिजिकली सेफ फील कर रहे हैं, इमोशनली सेफ फील कर रहे हैं, उन्हें पता है कि अगर हम कोई जवाब देंगे तो उसको लेके लोग हंसेंगे नहीं, मजाक नहीं उड़ाएंगे, और वो लोग सोशली सेफ फील कर रहे हैं। बहुत जरूरी है कि वो एक सेफ्टी का माहौल उनको मिले तो ही वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो किस तरह का कल्चर हम बना रहे हैं, और जो वैल्यूज की भी आप लोगों ने बात करी कि एक ओवरऑल वैल्यूज हम किस तरह से प्रमोट कर रहे हैं, क्या हम समानता, एक भेदभाव रहित और एक डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी की वैल्यूज कर रहे हैं या ऑटोक्रेसी की वैल्यू को प्रमोट कर रहे हैं। छोटा सा एग्जाम्पल है, अगर टूर पे जाने की बात होती है तो मुझे आज भी याद है कि हमारे कॉलेज में एक टीचर को 2 से 3 दिन हमारे साथ बिताने पड़े थे ये चर्चा करने के लिए कि टूर पे कहाँ जाएंगे, और सबने मिल के डिसाइड किया, सबने मिल के उसकी तैयारी की, ग्रुप्स बने और सभी लोगों ने डिसाइड किया कौन क्या करेंगे। ये डेमोक्रेसी का एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है, और डेमोक्रेसी कहीं और से नहीं आएगी, डेमोक्रेसी सीखने सिखाने की जगहों पे जब बच्चे खुद अनुभव करेंगे तो ही वो बाहर जाके भी एक डेमोक्रेटिक तरीके से काम करना सीखेंगे। तो ये कुछ बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल्स हैं। आज की तारीख में जैसे हमारे साथ आप सब लोग मोबाइल्स पे जुड़े हैं, यू नो वर्चुअली जुड़ के ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, यही सेशंस हम फॉर्मल सेटिंग में आमने सामने या इनफॉर्मल सेटिंग यानी किसी क्लब में या कोई छोटे समूह में अगर करवा रहे हैं, तो किस तरह से हम समानता का एक माहौल बना सकते हैं। तो जब अगर आप शिक्षक हैं और अगर आप बच्चों से कोई जवाब चाह रहे हैं, तो क्या आप 1, 2 या 3 सेकंड अगर आप रुक जाएं और सबसे पहले जिस बच्चे का आपके मन में नाम आ रहा है उसको ना बुला करके आप अगर आसपास देखें, ये देखें कि कौन बच्चे हैं जो बात नहीं कर पाए हैं अभी तक, और उनमें से कुछ लोगों को चुने, कुछ लड़कियों को, कुछ लड़कों को, तो आप देखिए कैसे पार्टिसिपेशन बढ़ता है। ये ध्यान रखें, कई बार ऐसा होता है, हम सब टीचर्स हैं और अभी भी आप देख रहे होंगे कि जो लोग बात कर रहे होते हैं हम लोग उन्हीं से ज्यादा बात करते हैं, क्योंकि उससे हमें मदद मिलती है कि हम अपने लेसन में आगे बढ़ते चले जाएं। लेकिन इससे ये होता है कि कुछ बच्चे जो हैं वो पूरा शिक्षक के साथ का बातचीत का समय को मोनोपोलाइज कर लेते हैं, सब बच्चे उस बातचीत में नहीं जुड़ पाते हैं। तो किस तरह से आप इसके लिए माइंडफुल हो कि अरे ये तो 5 ही बच्चे हैं जिनसे मैंने पूरा 1 घंटा बात की, क्या अगला आधा घंटा का जो सेशन है उसमें मैं बाकी बच्चों से बातचीत कर रही हूँ या नहीं, या पहले से बना के रखें कि आज के 1.5 घंटे में मुझे कम से कम भी नहीं तो 30 से 40 बच्चों से इंटरेक्ट करना है, आज मैं उन्हीं 5 बच्चों की बात नहीं सुनूंगी। जब हम क्लासरूम में देखते हैं कि अगर कोई लड़की खड़ी हुई जवाब देने के लिए और अगर कोई किसी ने कमेंट पास किया, तो क्या हम जस्टिफाई कर देंगे अरे ये लड़के हैं, लड़के इसी तरह से बात करते हैं, या हम सही में उनसे बात करेंगे कि एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर क्या है। इससे सिर्फ लड़कियों की हौसला अफजाई नहीं होगी, इससे ये भी होगा कि वो एक बेहतर पुरुष बनेंगे और एक बेहतर इंसान बनेंगे जो दूसरे जेंडर के लोगों का रिस्पेक्ट करना सीखेंगे। और आप ये जो स्माइलीज देख रहे हैं वो ये बताता है कि आप फॉर्मल सेटिंग में भी ये कर सकते हैं, आप इनफॉर्मल सेटिंग में, छोटे समूह में भी ये कर सकते हैं, अपने क्लासरूम में भी ये कर सकते हैं, और जब आप अगर आप वर्चुअली क्लास ले रहे हैं, आप जूम के ऊपर ले रहे हैं कोई क्लास, आप व्हाट्सएप के ऊपर कोई डिस्कशन कर रहे हैं, तब भी आप ये तरीकों को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ITI के टेक्स्ट बुक्स उतने गौर से नहीं देखे हैं, पर अगर आप टेक्स्ट बुक्स देखेंगे तो ज्यादातर वहां पर आप देखेंगे कि लड़कियों को कुछ प्रकार के काम करते हुए दिखाया जाएगा और लड़कों को कुछ प्रकार के काम करते हुए दिखाया जाएगा। बहुत सारे सेंटेंसेस इस तरह से लिखे होते हैं कि जो प्रॉब्लमैटिक होते हैं,
तो जब आप पढ़ा रहे हैं और आप किताब के अंदर उस तरह के सेंटेंसेस या इमेजेस देखते हैं, तो आप अपने बच्चों के साथ मिलकर ही कह सकते हैं कि अगर इसको, अगर हमें इक्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस सेंटेंस को लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, अगर इस इमेज को हमें रिवर्क करना होगा तो हम कैसे रिवर्क करेंगे. एंड आई एम श्योर आपके स्टूडेंट्स को बहुत मजा आएगा आपके साथ ये एक्सरसाइज करने में. ये मैंने किया हुआ है, ये मैंने टीचर्स के साथ किया और उन्हें बहुत मजा आया था कि हम टेक्स्ट बुक का जो पैसेज प्रॉब्लमेटिक लगता था उसको हम लोग डिस्कस करते थे और सब लोग अपनी अपनी टेक्स्ट बुक में उसका करेक्शन करते थे. सीटिंग अरेंजमेंट, हमने बहुत सारे इमेजेस देखे जिसके अंदर बच्चे बैठे हुए हैं, तो क्या आप देख सकते हैं कि वही बच्चे जो हमेशा रोज आगे की बेंच पे बैठते हैं वो ना बैठ करके आगे पीछे होते रहें, मिलजुल कर बैठें. ये एक चीज हम कर सकते हैं जो एक समानता का कल्चर बनाने में बहुत आगे जाएगा. अगर आप सही में चाहते हैं कि आपके क्लासरूम्स के अंदर इस तरह का माहौल बने, बच्चे पार्टिसिपेट करें और आप अपना प्रैक्टिस इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आप अपने किसी कॉलीग को बुलाइए अपने क्लास में और कहिए कि आज के क्लास में मैंने जो भी पढ़ाया उसमें तुम्हें क्या लगा, मैंने इक्वालिटी प्रमोट किया दोनों के बीच या कहाँ पे मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ, कर सकता हूँ. और आपको अपने पीयर्स से जो फीडबैक मिलेगा वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फीडबैक है और वही आपको मदद कर सकता है कि आपके जो बायसेस हैं, बहुत सारी चीजें हैं, हम सब भी इसी समाज में बड़े हुए हैं, तो जो समाज में है वो हमारे अंदर है और वो अलग अलग तरीके से हमारे बॉडी लैंग्वेज से, हमारे हाव भाव से, हम किससे बात करते हैं, कितनी देर तक बात करते हैं, नहीं करते हैं, किसको अवसर देते हैं, नहीं देते हैं, इन सब चीजों में वो बाहर निकल कर आता है. और हमें पता भी कई बार नहीं होता कि ये सब हम कर रहे हैं जब तक कि कोई हमें ना बताए कि यू नो मैंने जब आपने ये कहा तो मुझे लगा कि आपने बहुत रूडली बात की थी उस लड़की से, तब हमें लगता है अच्छा मेरा टोन जो था वो रूड था, हो सकता है अगली बार वो लड़की जवाब देने के लिए ना खड़ी हो, कैन आई इम्प्रूव दैट. इसी तरह से जब हम पेडागॉजी यानी सिखाने के तरीके और कंटेंट की बात करते हैं, तो क्या हम कई बार लड़के कोई बातचीत, एक तो है कि हम ITIs के अंदर शायद मुझे लगता है और भी नहीं हो पाता होगा कि हम ट्रेड्स के बारे में तो बहुत कुछ सीखते हैं, पर मेरी बात मानिए किसी और कॉलेज में और मुझे लगता है कि इवन स्कूल्स के अंदर हम बच्चे क्या महसूस कर रहे हैं उसके ऊपर कभी बात ही नहीं करते हैं. और महसूस करना इंसान के लिए बहुत जरूरी है, सो क्या हम इस तरह का स्पेस शेयर करते हैं जहाँ बच्चे अपने इमोशंस शेयर कर सकें कि ये सीख के हमें बहुत खुशी हुई, ये जानकारी मिली तो बड़ा दुख महसूस हुआ, आश्चर्य महसूस हुआ, या कभी अगर किसी को बात करते हुए अपनी आंख में अगर पानी आ गया तो हम उसका मखौल ना करें. ये सब बहुत जरूरी है और इसी से मुझे लगता है कि बच्चे भी हम पे विश्वास करेंगे और ज्यादा खुलेंगे और हम एक ऐसा वातावरण बना सकेंगे कि नो सब लोग अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर सकें. जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज की बात पहले हम कर चुके हैं और मैंने इसके ऊपर काफी बातचीत तब भी की थी, पर यस हम किस तरह से जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं वो बहुत जरूरी है. जैसे हम जब भी बच्चों के बारे में बात करते हैं तो हम बच्चे बोलते हैं, हम विद्यार्थी बोलते हैं, हम विद्यार्थी विद्यार्थिनी नहीं कहते हैं, बच्चा बच्ची नहीं कहते हैं, या हम स्टूडेंट नहीं कहते हैं जो कि एक न्यूट्रल लैंग्वेज है. कल्चर एंड पार्टिसिपेशन, अगर आप कुछ नॉर्म्स बना सकें अपने क्लासरूम के एकेडमिक ईयर की शुरुआत में कि सभी लोग हाथ ऊंचा करेंगे एंड फिर हम बातचीत करेंगे, बैठने का सिस्टम कैसा होगा, किस तरह से हम लोग सबका पार्टिसिपेशन चाहते हैं, तो कुछ 5 या 6 गाइडिंग प्रिंसिपल्स अगर आप बना सकें बच्चों के साथ मिल करके अपने क्लासरूम्स के लिए, अपने इंस्टीट्यूशंस के लिए, तो वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल रहेगा कि जब भी उन गाइडलाइंस को अगर फॉलो नहीं किया जा रहा है तो स्टूडेंट्स ही एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबल करेंगे. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे बात की मैंने कि हम भी इसी समाज से आए हैं, तो बहुत सारे डायलेमास होते हैं हमारे दिल में भी कि ये क्या सही है या ये सही है ये गलत है, और कई बार इन सब चीजों में सही गलत के जवाब नहीं मिलते हैं. सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने बारे में और अपने डायलेमास, अपने स्ट्रगल्स किस तरह शेयर करते हैं, हम क्या रोल मॉडलिंग कर रहे हैं. मेरी एक टीचर थी कॉलेज में, जब वो हमें जेंडर पढ़ा रही थी तो उन्होंने जिस दिन मुझे
हम सबसे बात की और कहा कि किस तरह वो इतने सालों से पढ़ा रही हैं, लेकिन आज भी जब वो खाने की टेबल पे बैठती हैं तो जब तक पूरा परिवार खा नहीं लेता है तब तक वो नहीं खाती हैं। और ये जो है वो जब उनको अकर किया कि क्यों मैं साथ में नहीं खाती हूँ, तो उसके बाद उन्होंने साथ में खाना शुरू किया। पर ये देखिए कितना बड़ा टीचर का खुद का डिस्क्लोजर था, और इससे हम लोगों की एक जो समझ बनी, और ये भी समझ बनी कि कभी देर नहीं हुई। आज आज समानता के बारे में जितनी समझ बनी है उससे हम आज की तारीख में जो कर सकते हैं वो हम करेंगे। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आई एम श्योर ये पीपीटी हम आपके साथ शेयर करेंगे एंड आप इसको एज अ चेकलिस्ट यूज कर सकते हैं। पर अगर आप नोट्स बनाना चाहें, अगर आप एक दूसरे को फीडबैक देंगे तो ये कुछ पॉइंटर्स आपको काम आएंगे। और या आप एज एन एजुकेटर ये कोर्स खत्म होने के बाद जब आप पढ़ा रहे होंगे और आप खुद देखेंगे कि मैंने कहाँ प्रोग्रेस की है, तब शायद ये पॉइंटर्स आपको काम आएंगे। Who receives meaningful and critical praise from educators? Mindsets की जब बात है, बहुत जगह देखा गया है कि टीचर्स जो हैं जब देखते हैं कि ये वाला असाइनमेंट एक लड़के ने सबमिट किया है तो वो लोग उसकी जांच जो है और बेहतर करते हैं। जो फीडबैक देते हैं वो क्रिटिकल होता है, वो बहुत जरूरी होता है कि आपने जो बॉयलर के बारे में लिखा है वो ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए और ये नहीं, ये तापमान होना चाहिए, या वेल्डिंग के बारे में जो आप लिखते हैं। वनस्पत जब अगर एक लड़की ने वो असाइनमेंट सबमिट किया होगा तो आप उसको टिक लगाते चले जाएंगे और उसको एक्स वाई जेड मार्क्स दे देंगे, पर आप उसको ऐसा फीडबैक नहीं देंगे जिससे वो सुधर सके, इम्प्रूव कर सके। तो ये बहुत जरूरी है टीचर्स के लिए देखना कि एक सेकेंड के लिए रुक के सोचिए कि क्या मैंने ये फीडबैक अगर ये लड़का होता तो यही दिया होता, या ये लड़की होती तो मैंने क्या उसे यही फीडबैक दिया होता। देखिए आपका फीडबैक शायद चेंज हो जाए। ये ध्यान रखना कि हमने कितनी बार हम जेंडर स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज कर रहे हैं। किसी ने कैंटीन की बात की, किसी ने ट्रेड की बात की, किसी ने पेरेंट्स को समझाने की बात की, पर रोज बरोज हम किस तरह से जेंडर स्टीरियोटाइप्स को हम चैलेंज कर रहे हैं। अगर किसी ने मखौल उड़ाया कि यू नो वेल्डिंग के ट्रेड में लड़की क्या कर रही है, फिटर के ट्रेड में लड़की क्या कर रही है, क्या हमने वो मौका लेकर के बातचीत की या हमने उसको अनसुना कर दिया। किस तरह के एक्सपेक्टेशंस जो है वो हम लड़कियों के गर्ल स्टूडेंट्स के साथ रख रहे हैं एंड बॉय स्टूडेंट्स के साथ भी, हम क्या हम चाहते हैं कि सही में वो अगर इस ट्रेड में आए तो वो आगे जाकर के कंपनियों में जुड़े, या हमारा एक्सपेक्टेशन है कि लड़कियां जो है सिर्फ सर्टिफिकेट्स लेके चली जाएंगी। सो बिकॉज बहुत रिसर्चेस बताते हैं कि अगर स्टूडेंट से आप एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखेंगे तो आप कभी उनको उस तरह से पढ़ाएंगे ही नहीं। तो हमने गर्ल स्टूडेंट्स के साथ क्या एक्सपेक्टेशन रखा है कि ये लोग पढ़ के जाएंगे, इन्होंने शादी करके घर ही चलाने हैं, या ये पढ़ के जाएंगे और इन्होंने जाके एक स्वनिर्भर जिंदगी जीनी है, इन्होंने इंडिपेंडेंट बनना है, इन्होंने खुद से कमाई करनी है, इन्होंने अपने परिवारों को एक पर्टिकुलर तरीके से चलाना है, इन्होंने दुनिया में अपने लिए एक जगह बनानी है। हमने इनके लिए क्या एक्सपेक्टेशन रखा है? एंड हाउ ऑफन डू गर्ल्स एंड बॉयज इन एजुकेशनल स्पेसेस गेट अपॉर्चुनिटी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम जेंडर रूल्स? कितनी बार हमने देखा है कि भाई अगर जो टूल रूम है उसमें लड़के भी झाड़ू लगा रहे हैं और लड़कियां जो हैं वो मशीन को ग्रीजिंग कर रही हैं, या हमेशा लड़की झाड़ू निकालेगी और लड़के जो हैं वो मशीन को ग्रीज करेंगे। किस तरह के बिहेवियर एंड स्किल्स हम देख रहे हैं? व्हाट परसेंटेज ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स गर्ल स्टूडेंट्स? अगर हमारे क्लास में लड़के लड़कियां दोनों हैं तो क्या हम जब बातचीत करते हैं, जब कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस, ये रिसर्चेस कह रहे हैं कि ज्यादातर इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो लड़कों को दी जाती हैं कि आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए। क्या हम लड़कियों को देख के कहते हैं कि इस तरह से डायग्राम बनाइए अपने कॉपी में, इस तरह से इस इक्विपमेंट को यूज कीजिए? हम कितना इंस्ट्रक्शन लड़कियों को दे रहे हैं और कितना इंस्ट्रक्शन लड़कों को दे रहे हैं? हाउ मेनी अपॉर्चुनिटीज डू गर्ल एंड अदर जेंडर स्टूडेंट गेट्स टू शेयर अ रिस्पॉन्स? जब हम जवाब चाह रहे हैं तो उसमें से कितने जवाब हम लड़कियों से या दूसरे जेंडर के लोगों से ले रहे हैं, या ज्यादातर हम लड़कों से ही बातचीत कर रहे हैं? हाउ ऑफन डू गर्ल्स एंड बॉय शेयर देयर फीलिंग्स? क्या हम उनको भावनाओं व्यक्त करने के लिए कोई जगह मौका देते हैं? किस तरह के रिसोर्सेज हैं जो गर्ल स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं? ये इस चीज पे भी बात हो चुकी है।
what way are women, girl and other gender represented in content that is facilitated? इस पे भी बात हो चुकी है कि जो किताबों से हम पढ़ा रहे हैं उसमें उनकी क्या छवि बनाई गई है, क्या भाषा उनके लिए इस्तेमाल की जा रही है. How often do girls and other students get a leadership role in a class, school or college? अगर टूअर कितनी बार एक नेतृत्व की भूमिका में लड़कियों को हम देखते हैं, क्या जब टूअर हम डिसाइड कर रहे हैं लड़कियां उसमें नेतृत्व ले रही हैं कि यहाँ से आने जाने का जो ट्रांसपोर्ट का है उसका जिम्मा जो है ये दो लड़कियों का है, वहां पर जो बातचीत करनी है उसका जिम्मा ये चार लड़कियों का है, एम्प्लॉयर के लिए अगर कोई फेयर हो रहा है तो एम्प्लॉयर्स को कॉन्टेक्ट करने का जिम्मा कुछ लड़कियों का है, तो कितने ऐसे अवसर हैं जहाँ पे हम लड़के लड़कियों को एक समान अवसर नेतृत्व का दे रहे हैं. अब एक ये बेसिक सवाल है कि अगर हम एक जेंडर इक्वल स्पेस बनाते हैं तो क्या होगा उससे, एंड आपसे कुछ जवाब हम लोग चाहेंगे. चैट बॉक्स में इस पे हम चर्चा कर सकते हैं एंड अगेन मैं कोशिश करूंगी कि आपके रिस्पॉन्सेज मैं पढ़ सकूं. So, अगर हम एक समानता, एक समावेशी सीखने सिखाने की जगह का निर्माण करते हैं तो उससे क्या होगा? Some very interesting responses. Sanjay ji is saying कि सभी बच्चों के साथ equal व्यवहार करना चाहिए, जो बच्चे कम बोलते हैं या जिनमें hesitation है उनको दूर करना जरूरी है. काफी बच्चों को जो हम पूछते हैं उनको पता होता है लेकिन वो बताने में हिचकिचाते हैं. बिल्कुल सर, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है. पहले भी मैंने कहा कि वो सारे लड़के और लड़कियां दोनों वंचित समुदायों से आ रहे हैं, यही है कि जो उनकी वंचितता है उसमें लड़कियों में थोड़ा और ज्यादा है क्योंकि समाज ने जिस तरह से ये समाज है, लेकिन प्रोत्साहन की जरूरत दोनों को है, दोनों की हिचकिचाहट को कम करने की जरूरत है. रजनी जी कह रही हैं कि हम लड़के और लड़कियों दोनों को बेटा करके ही बुलाते हैं और कभी उनका मन करता है कि लड़कियों को अलग से पूछना चाहिए कि वो कंफर्टेबल हैं या नहीं. एंड मैम वन थिंग इज कि हम उनसे पूछें कि वो कंफर्टेबल है या नहीं, एंड सेकेंड इज कि क्या हम वो माहौल बना सकें कि लड़के और लड़कियां दोनों कंफर्टेबल हो, लड़के भी एक्सेप्ट करें कि मेरी लड़कियों में, मेरे क्लासरूम में लड़कियां हैं और वो इक्वल हैं, वो भी स्ट्रेट में हमारी ही तरह सीखेंगी, और लड़कियां भी एक्सेप्ट करें कि लड़के हैं तो क्या है, हम हमारे साथ ही पढ़ रहे हैं, हम सब बराबर के हैं, वो समझ बनाना बहुत जरूरी है. बिल्कुल, और अगर हमें कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे पता चलते हैं तो हमें उन्हें सॉल्व करना चाहिए. उनको क्यों हिचक हो रही है, वो क्यों कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, इस पे हमें बात करना बहुत जरूरी है. यस, इफ देयर आर दीस आर जेंडर इक्वल स्पेसेस बोथ बॉयज एंड गर्ल्स विल हैव मोर कॉन्फिडेंस. लड़कियों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. जेंडर इक्वालिटी ट्रेनर्स टास्क दे सकते हैं. बिल्कुल, रोजगार बराबर मिलेगा. बिल्कुल पिंक जी, गर्ल्स का परसेंटेज इंक्रीज होगा. यस, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एक बेटर समाज का निर्माण होगा, सोसाइटी अपलिफ्टमेंट होगी, सभी का इक्वल ग्रोथ होगा, कॉन्फिडेंस एंड डेवलपमेंट इंक्रीज होगा. संदीप जी कह रहे हैं, विजेंद्र जी कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. रजनी जी कह रही हैं अगर हम दोनों को इक्वल कर दें तो मैम बॉयज कभी ये नहीं बोलेंगे कि मैं ही लड़ सकता हूँ, तुम ये काम नहीं कर सकती हो, बस घर का काम ही करना है आगे आगे जाकर. बिल्कुल, अगर यहाँ पर एक उन्हें एक समझ बनेगी उनकी समानता को लेकर, ना सिर्फ वो ये बोलना छोड़ देंगे कि तुम्हें घर का ही काम करना है, कल उनके जीवन में जो पत्नी होगी, उनकी बेटी होगी, जिस सोचिए कि वो पिता और वो पति जो होगा वो शायद असमानता आगे ना बढ़ा करके उनको अपने बराबर का माने और आप एक पूरी फैमिली जो है वो चेंज हो सकती है उससे.
अगर लड़के ये मानना छोड़ दें कि लड़कियों का काम सिर्फ घर में है और उन्हें वही काम करने हैं, तो मैच्योरिटी बनेगी बिल्कुल, ऑल विल गेट प्रॉपर कॉन्फिडेंस इन अपॉर्चुनिटीज, हेजिटेशन खत्म होगी, जसविंदर जी कह रहे हैं इक्वल ग्रोथ, सरोज जी कह रही हैं सोशल इक्वालिटी, गर्ल स्टूडेंट में भी सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, रश्मि जी कह रही हैं बिल्कुल। हमने काफी सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं, कुछ हम शेयर करना चाहेंगे। जब हम स्कूल्स में काम करते हैं वहां पे बच्चों के पार्लियामेंट्स होते हैं, और वहां पर जब लड़के लड़कियों ने साथ में काम करना शुरू किया तो आपको हम बताना चाहेंगे कि लड़के और लड़कियों ने मिलकर के अपने स्कूल में सैनिटरी पैड्स की शॉप खोली, क्योंकि उन्होंने ये समझा कि बहुत सारी लड़कियां स्कूल नहीं आ पाती हैं पीरियड्स के दौरान और उनको बहुत दिक्कत होती है। जस्ट सोचिए कि इस उम्र में जिन लड़कों का इस तरह की सोच बनी है वो किस तरह के ह्यूमन बींग्स बनेंगे, कितने केयरिंग होंगे, कितने सेंसिटिव होंगे, और किस तरह का एग्जाम्पल ये लोग सेट कर रहे हैं अपने स्कूल के अंदर एक सैनिटरी नैपकिन की शॉप खोल के, कि लड़कियों को जो पूरा जो शर्म जुड़ी हुई है मेंस्ट्रुएशन के आसपास वो शर्म भी टूट रही है। दूसरा है कि जहां हम आईटीआईज में काम करते हैं वहां से दिल्ली से एक लड़की ने हमसे बात की और उसने कहा कि मैम मैंने सीखा है कि जिंदगी में किसी के सामने ऐसे ना करूं, आप अगर देख सकते हैं मुझे तो, उसने ऐसे हथेली करके हमें कहा कि मैं ऐसे कभी ना करूं बल्कि मैं हमेशा ऐसे रहूं, ये मैंने सीखा है आईटीआई में कि सिर्फ लेना नहीं है हमने देना है वापस। एंड ये वो यहाँ से कॉन्फिडेंस उसका उस आईटीआई से आया जहां उसने ये सीखा कि हम जो है वो जॉब भी कर सकते हैं, हम कमाई भी करेंगे और हम अपने परिवार में कॉन्ट्रीब्यूट भी करेंगे। हम बहुत सारी लड़कियों के साथ काम करते हैं जिन्होंने स्कूल में आना छोड़ दिया है, उनके साथ हम क्लब्स में काम करते हैं और वहां हमने देखा कि बहुत सारी लड़कियां हैं जो ना सिर्फ स्कूल वापस जाना चाहती हैं, वो अपने पेरेंट्स से कहती हैं कि शादी नहीं करनी है अभी हमको, एक दूसरे के घर पे बात करने गई हैं शादियां रोकने के लिए, एक दूसरे के घर पे बात करने गई हैं स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए। तो अपने निर्णय लेना सीख रहे हैं वो लोग, अपने निर्णय सोच समझ के लेना सीख रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है कि अगर हम लड़के और लड़कियों को अपने आईटीआईस में एक समझ के साथ निर्णय लेना सिखाएंगे तो ये स्किल्स उनकी पूरी जिंदगी भर के लिए है, सिर्फ वो एक जेंडर समानता नहीं पर एक अच्छा उनको एम्प्लॉय, एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए ये सारे स्किल्स काम आएंगे। स्कूल्स के अंदर जब हम बात करते हैं, जब हमने इन सब चीजों के ऊपर काम किया जो हमने बात की कि एक सोच बनाना, हर चीज पे प्रश्न करना, क्रिटिकली सोचना, लड़के लड़कियों ने देखना शुरू किया, उन्होंने एक एक्सरसाइज की कि मेरे घर के अंदर सुबह से लेकर शाम तक मेरी माता जी क्या काम करती है और मेरे पिताजी क्या काम करते हैं, और उनकी एक समझ बनी कि इस काम के लिए पैसा नहीं है लेकिन काम तो बहुत कर रही है, मेहनत का काम है और हम कहते हैं कि औरतों में ताकत कम है। तो ये सारी समझ जो है बच्चे खुद बना रहे हैं, उनको सिखाना नहीं पड़ा है, और यही हो सकता है अगर हम अपने आईटीआईस को भी एक ऐसी जगह बनाएं जहां पर हम एक जेंडर समानता के लिए जो प्रैक्टिसेस हैं उन प्रैक्टिसेस को हम प्रमोट अगर करें। समीर जी कह रहे हैं एक ऐसे समाज की नींव बनेगी जिसमें सबके लिए एक समान अवसर होंगे और लड़के और लड़कियों दोनों को पता चल जाएगा कि नौकरी पर दोनों का बराबर का हक है और घर चलाना भी दोनों का ही काम है। बिल्कुल समीर जी, और सिर्फ लड़कियों को नहीं पर लड़के भी अगर इस सोच के साथ और इस समझ के साथ बढ़ेंगे तो मानिए दोनों जन एक बेहतर मनुष्य बनेंगे। लड़के और लड़की होने से पहले हम इंसान हैं, हम लोग बहुत जल्दी एक दूसरे को ट्रीट करना शुरू कर देते हैं कि लड़का है तो ऐसे ट्रीट करेंगे और लड़की है तो ऐसे ट्रीट करेंगे, पर हम उससे पहले भूल जाते हैं कि इंसान है तो कैसे ट्रीट करेंगे। एंड आई थिंक वो अगर हम ले आए तो एक बराबरी का माहौल बनेगा और दोनों के लिए ही एक बेहतर समाज बनेगा। ट्रेनिंग के दौरान भारी काम में कॉन्फिडेंस कम है गर्ल्स में, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल सतीश जी, मैं अपना खुद का एग्जाम्पल शेयर करना चाहूंगी कि मेरे पिताजी स्कूटर रिपेयर करते थे, कार रिपेयर करते थे, और स्कूटर रिपेयर करने के लिए धूप में लेके खड़ा कर देते कि स्कूटर को पांव पे टेढ़ा करके खड़े रहो अब,
मेरी माता जी एक दिन बाहर आके बोली कि लड़की है और इतनी धूप में आपने क्या इसको स्कूटर पकड़वा के रखा है, गिर जाएगी। मेरे पिताजी ने कहा उनको कि जितना खाना मेरा बेटा खाता है उतना ही खाना ये खाती है, ताकत दोनों में बराबर है, तुम अंदर जाओ। एंड सी दैट वन स्टेटमेंट हेल्प्ड मी टुडे। मतलब हो सकता है कि कुछ चीजों के अंदर मुझे लगता हो कि इसके लिए मेरे पास ताकत नहीं है, लेकिन वो इसलिए नहीं कि मैं लड़की हूँ, ये नहीं आता है मेरे दिमाग में। तो किस तरह से हम उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, छोटा छोटा करके, शुरू से ही बड़ी चीजें नहीं देकर, पर धीरे धीरे हम बढ़ा सकते हैं, और ये छोटी छोटी बातें जो है वो जिंदगी भर साथ रहती हैं। सो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एज टीचर्स हमारे लिए ये सोचना है कि हम उनकी क्या पहचान बना रहे हैं जेंडर के बेसिस पे। क्या वो पहचान एक आत्मनिर्भर, एक कॉन्फिडेंट लड़के और लड़की की है जिसकी एक व्यापक सोच है, या कुछ और जेंडर आइडेंटिटी हम बना रहे हैं, इसके ऊपर सोचना बहुत जरूरी है। और आखिरी, मैं सभी शिक्षकों के साथ, ये मेरी कॉलीग है नेहा, उन्होंने ये कोट यहाँ पे दिया है और वो इस तरह से समझाती हैं, और सही में मैं भी उससे बहुत ही तवज्जो रखती हूँ कि जो हम कॉन्शियसली पढ़ाते हैं या एक जागरूक अवस्था में जिस तरह से हम पढ़ाते हैं, जिस चीज के लिए हम, जिसको हम जान रहे हैं कि अच्छा मैं ये कर रही हूँ, आई एम कॉन्शियस अबाउट इट, हम वो पढ़ाते हैं जो हम जानते हैं, जो हमारी नॉलेज है, समझ है, बट अनकॉन्शियसली वी टीच हु वी आर। बट जिस चीज के ऊपर हमारी चेतना नहीं है, जिसके ऊपर हम अनकॉन्शियस है, जो बहुत हमारे अंदर है, जो हमारे बॉडी लैंग्वेज में बाहर आती है, जो हमारे बात करने के टोन में बाहर आती है, जो हमारे हाव भाव से बाहर आती है, वो ऐसी चीजें हैं जो हम पढ़ा रहे हैं क्योंकि हम वैसे हैं, इसलिए वो सीखेंगे। जब बच्चे ये देखेंगे कि मेरे मेल टीचर जो हैं एक रुआब के साथ बात करते हैं और एक रोश के साथ बात करते हैं, तो वो शायद आप उसके लिए कॉन्शियस भी नहीं है कि मैं पुरुष हूँ इसलिए मैं इस तरह से बिहेव कर रहा हूँ, पर बच्चे वो सीख रहे हैं। आप तो उनको ट्रेनिंग, वेल्डिंग एंड फिटिंग सिखा रहे हैं, पर बच्चे उसके साथ साथ वो भी सीख रहे हैं जो आप हैं। इसी तरह से अगर कोई महिला है, जब आप सिखा रही हैं कोई चीज, तो आप चाहे कोपा सिखा रही हैं, कॉस्मेटोलॉजी सिखा रही हैं, पर बच्चे ये भी देख रहे होंगे, अगर आप हिचक रहे हैं कि महिलाएं हिचकती हैं, इसी तरह से बात करती हैं, तो आप जो हैं वो भी वो लोग सीख रहे हैं, और शायद आप भी उसके लिए कॉन्शियस नहीं है कि मैं इस तरह से बिहेव कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो एज एन एजुकेटर हम कितने कॉन्शियस हैं अपने आप के बारे में, उससे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। एंड सीखने सिखाने का काम इसलिए काफी ही रोचक काम है। रोजाना हम अपने आप के ऊपर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, रोजाना हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, और हर दिन जो बच्चा हमारे पास आ रहा है, बच्चे वही हैं पर वो हर रोज नए हैं, और हम भी नए शिक्षक हैं अगर हम रोज रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि अभी के समय में जहाँ पर कोविड की वजह से बहुत से बच्चे जुड़ नहीं पा रहे हैं, कैसे हम उनके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ ये जानने के लिए कि वो लोग कैसे हैं, वो लोग किस तरह से रिसोर्सेस को एक्सेस कर पा रहे हैं वो हम देख रहे हैं। हम उनको एनकरेज कर रहे हैं कि वो लोग, अगर उनके पास फोन है, मोबाइल है, तो किस तरह से अपना लर्निंग जो है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, और क्या हम एक जगह उनके साथ बातचीत की बना सकते हैं जिसमें वो शेयर करें कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। जो बच्चा आपके पास ऑनलाइन क्लास के लिए पहुंच पा रहा है, वो बच्चा जो है सैकड़ों बाधाओं को पार करके आपके पास आ रहा है। लड़कियों को फोन आसानी से मिलता नहीं है, भाई से या पिता से मांगना पड़ता है। वो घर का सारा काम खत्म करके आपके साथ उस सेशन में जुड़ रही होगी, क्योंकि लड़कियों को घर के सारे काम खत्म करने होते हैं अगर उन्हें पढ़ना है। और जब वो जुड़ती है, अगर उसको बोलने का मौका भी नहीं मिलता है या उसकी बात को सुना भी नहीं जाता है, तो क्या वो उस सेशन में दोबारा जुड़ेगी? और यही बात आप सोचिए, जो लड़कियां क्लास अटेंड करने के लिए आईटीआई तक आती हैं, वो रस्ते में बस में किसी की छेड़छाड़ सहन करके आ रही है, घर से निकलने के लिए अपने घर का काम खत्म करके आ रही है, अपने माता पिता को कह के आ रही है कि मैं जल्दी आऊंगी, शायद उसके पास बस की फीस नहीं है आने के लिए, बहुत सारी बाधाओं का सोसाइटी में चार लोग बोल रहे होंगे कि रोज बनठन के निकल पड़ती है, 100 तरह के बाधाओं का सामना करके वो उस क्लास में आ रही है। और अगर उस क्लास के अंदर आप उसकी उपस्थिति को
स्वीकारते नहीं है, वो आई है, उसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता है, तो क्या वो रोज आना चाहेगी? आपकी एक शाबाशी उसे, आपका एक ये कहना कि अरे सरोज तुम्हारा इस पे क्या सोच है जरा बताना, से उसको कितना प्रोत्साहन मिल रहा है ये हम सभी जानते हैं। With this, I would like to close. यहाँ पे कुछ links दिए हैं, अगर आप कुछ data देखना चाहते हैं और जो हमने यहाँ पर Nobel laureates के ऊपर एक quiz में question था, उसका भी link है यहाँ पे, so आप उसे use कर सकते हैं। And I just want to ask, and यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ये सब कुछ हम ट्रेनर ट्राइब के थ्रू कर रहे हैं, एंड आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग भी ट्रेनर ट्राइब पे हमारे साथ जुड़े। हम लोग फेसबुक पर हैं, एंड आप ट्रेनर ट्राइब करिएगा तो हमारा फेसबुक पेज आपको मिलेगा, आप उसमें जुड़ सकते हैं, और उसमें आपके जैसे ही हजारों और ट्रेनर्स हैं जो रोज अपने क्लासरूम्स में क्या कर रहे हैं उसके इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज रिफ्लेक्शंस शेयर करते हैं और आपस में बातचीत करते हैं। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग भी उसमें जुड़ें। इफ देर आर एनी क्वेश्चंस, आई कैन टेक अ कपल ऑफ क्वेश्चंस। देर आर नन दो, एंड विद दिस आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल। और आज का जाने से पहले ये आखिरी एंडिंग पोल है, प्लीज आप इस पे जवाब दीजिए और उसके बाद हम इस सेशन को क्लोज करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इट वोंट टेक मोर देन 5-10 सेकंड्स फॉर यू, जस्ट रीड कीजिए और इस पोल को कंप्लीट कीजिए। वेरी नाइस सुमन जी, इफ यू हैव ऑलरेडी जॉइंड अस ऑन फेसबुक। करमबीर जी कह रहे हैं कि किसी भी समाज का विकास उसकी महिलाओं की शिक्षा पर निर्भर करता है। बिल्कुल, और इस पे भी निर्भर करता है कि हम पुरुषों को भी क्या बना रहे हैं, क्या हम उनको एक अच्छा मनुष्य बना रहे हैं या उनको पुरुष बनाने के चक्कर में हम एक हिंसक इंसान बना दे रहे हैं जो खुद के लिए भी हानिकारक है।